हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर राज स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हो 10th का अलजेब्रा चैप्टर नंबर 3 हमारा शुरू है। प्रैक्टिस सेट 3.2 जो है हम कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 3.2 के अंदर जो फर्स्ट के 5 क्वेश्चन है लास्ट लेक्चर में हम कर चुके हैं। आज जो है आगे के 5 क्वेश्चन यानी 6 7 8 9 10 इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है आपको, फाइंड हाउ मेनी 3-डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 5। तो याद रखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 हम कर रहे हैं, थ्री डिजिट नंबर्स क्या होते हैं। 3-डिजिट नंबर्स आपको पहले देखना है, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स क्या होते हैं। ध्यान से देखो, सबसे पहले 3-डिजिट मतलब 3 अंकों वाले, तो ये 100 से शुरू होता है। इसके पहले देखो 99 होता है 100 के पहले, तो ये 2 ही डिजिट है। 10 से लेके 99 जो है 2-डिजिट वाले नंबर्स होते हैं। 100 से लेके 999 ये 3-डिजिट वाले नंबर होते हैं। सो 100, 101, 102, 103 एंड सो ऑन टिल 999, ये 3-डिजिट नंबर्स होते हैं। पर क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ मेनी 3-डिजिट नंबर नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 5। देखो 999 के बाद है ना 1000 आता है, तो ये 4-डिजिट नंबर हो जाता है। हम लोगों को 3-डिजिट नंबर जो है डिविजिबल बाई 5 होना चाहिए, जो 5 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे थ्री डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 5 आर, जो 5 से डिविजिबल है। ऐसे कौन कौन से नंबर है जो जिसमें 5 से डिविजिबल होगा, तो 5 से डिविजिबल होने का एक रूल होता है कि उसके यूनिट प्लेस पे या तो 0 आए या तो 5 आए। यूनिट प्लेस क्या होता है, जैसे देखो 540, 365, 470 इस तरह से, तो ये यूनिट प्लेस होता है। यहाँ अगर 0 या 5 आ रहा है तो हम बोलेंगे वो 5 से डिविजिबल है, ये रूल होता है 5 का। तो ये देखो लास्ट में 0 है तो ये डिविजिबल है 5 से, ये नहीं होगा। सीधे 105 आएगा, फिर 1110 आएगा, फिर 115 आएगा, 120 आएगा, यानी 5 के टेबल में जो आता है सब आएगा। 100 के बाद 105, 1110, 5 से डिविजिबल होना चाहिए। और लास्ट में 999 के लास्ट में देखो 0 और 5 में से है क्या, नहीं। 997, 996, 995, इसमें लास्ट में 5 है देखो, 5 से डिविजिबल चाहिए, तो 995 ये हमारा लास्ट डिजिट होगा। आज मैं जो आपको इस लेक्चर में क्वेश्चन बताने वाला हूँ, इसमें ये जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस है वो बनाना इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया है, फाइंड हाउ मेनी 3-डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। तो इसमें आपको सीक्वेंस दिया नहीं है, सीक्वेंस बना के लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सीक्वेंस सही से बनाया तो ही आंसर राइट आएगा। अगर कुछ भी आपकी मिस्टेक हो गई तो आप कितना भी फॉर्मूला लगा लो, आंसर गलत ही आने वाला है। तो अब हमें क्या निकालने बोला गया है कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, 3-डिजिट के कितने नंबर्स हैं। तो ये जो रफ वर्क है इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ऐसे कितने नंबर्स होंगी। ओके, यानी क्या कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने नंबर्स होंगे। तो आप चलो यहाँ पर वैल्यूज निकालो। ए की वैल्यू देखोगे यहाँ पर 100 है, ए यानी फर्स्ट टर्म। डी कितने से डिविजिबल है, 5, तो डिफरेंस देखो 5 का डिफरेंस है, माइनस करो 5 का डिफरेंस है। और यहाँ पर n पता नहीं है, बट ये लास्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म को हम tn बोलते हैं। याद रखना जो लास्ट टर्म होगा ना वो हमेशा tn होता है। लास्ट टर्म क्या होता है, tn, और फर्स्ट टर्म a होता है। इसको एकदम याद रख लो जो मैं सिखा रहा हूँ। पहले टर्म को a बोलते हैं तो पता ही था, माइनस करके d निकालते हैं। जैसे 105 में से 100 माइनस किया तो 5 आया, d है वो। और जो लास्ट टर्म यहाँ ऑलरेडी पता है वो क्या होता है, tn होता है। अब आपके पास फॉर्मूला है, वी हैव अगेन वही फॉर्मूला, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये जो फॉर्मूला यूज करना, Tn कितना है देखो 995, A कितना है देखो, A इज 100 प्लस एन माइनस वन, एन हमें फाइंड आउट करना है कितने नंबर्स है। D कितना है देखो, D 5 है, सो ये 995 है। यहाँ पर देखो ये प्लस 100 को इस तरफ लाओ क्योंकि यहाँ वैल्यू पता है, तो ये माइनस 100 हो जाएगा, यहाँ आएगा तो इक्वल एन माइनस वन, यहाँ पर ये इंटू 5 है। ओके, अब ये देखो माइनस करोगे 900 में से 100 तो 800 और 95 आएगा। ये जो इंटू 5 है देखो, जिसकी वैल्यू निकालनी है ना, n की वैल्यू, सबको उससे दूर लेके जाएंगे, n से सबको दूर लेके जाना। तो n माइनस वाई 1 × 5 के बाद पहले 100 था उसको इस तरफ लाए, अब इसके साथ इंटू 5 है, इंटू 5 को इस तरफ लाओ तो डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, और यहाँ बच गया n माइनस 1। इसको और सिंप्लीफाई करो,
तो 895 को 5 से डिवाइड करोगे तो कैंसिल होगा, 5 1 5 5 1 5 3 आया, 5 7 35 4 आया, 5 9 45 तो 179 आ गया। कितना आ गया, 179 इज इक्वल टू एन माइनस वन। अब ये 179 है, एन की वैल्यू निकालने के लिए प्लस वन माइनस वन को इस तरफ लाओ तो प्लस वन हो गया। सो एक्चुअल में एन कितना आ गया, 179 प्लस वन 180 आ गया। इसका मतलब क्या कि 100 से लेके 995 तक, यानी कि जो थ्री डिजिट नेचुरल नंबर्स है जो 5 से डिवाइड होते हैं वो 180 है। मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर टोटल 180 नंबर्स, हाउ मेनी की जगह पर 180 आ गया, आर टोटल 180 नंबर्स, यानी 180 थ्री डिजिट नंबर्स, टोटल 180 थ्री डिजिट नेचुरल नंबर्स। ओके, जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से लिखो, टोटल 183 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 5। इस तरह से फाइनल आंसर लिखना चाहिए जब भी वर्डिंग वाले क्वेश्चन हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 तो हो चुका है, इसको कॉपी कर लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखो, अच्छे से पढ़ो। 11th टर्म एंड 21st टर्म ऑफ एन APR 16 एंड 29। 11th टर्म मतलब T11 दिया है, 11th टर्म इज 21 एंड और क्या दिया है देखो, 21st टर्म, 21st मतलब T21, ये कितना दिया है 29। ओहो, 11th टर्म एंड 21st टर्म ऑफ APR 16 एंड 29, ये 21st टर्म है। देखो क्या दिया, क्वेश्चन पढ़ो, 11th और 21st टर्म किसी एपी का 16 और 29 है, रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, 11 लिखा है 21 लिखा है फिर 16 और 29, तो पहले 16 है बाद में 29 है, तो ये रेस्पेक्टिवली है, मतलब पहले 11th टर्म है तो पहले 16 है, बाद में 21st टर्म है बाद में 29 है, मतलब पहले वाले का पहला है दूसरे वाले का दूसरा है। इस तरह से वैल्यूज दिए, देन फाइंड द 41st टर्म, T41 फाइंड करना है, 41st टर्म कितना होगा फाइंड करना है। तो कैसे करोगे, देखो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यूज करो, वी हैव Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, याद रखना n माइनस वन को ब्रैकेट में ही रखना। अब यहाँ पर पहले T11 रखो, n की जगह 11 रखो, जहाँ n है वहाँ 11 रखो, a प्लस n की जगह 11 रखो ये, एंड अब 21 रखो, जहाँ पर n है वहाँ पर 21 रखो, T21 a प्लस n की जगह पर 21 माइनस वन डी। क्या किया समझा आपको मैंने, ये जो फॉर्मूला है इसमें एक बार ये जो T11 के लिए n की जगह पर 11 रखा और यहाँ पर 21 रखा n की जगह पर, तो दो बार उसके अंदर सब्स्टिट्यूट किया। अब जो T11 है, 11 टर्म दिया हुआ है, 16 इज इक्वल टू ए प्लस 11 माइनस वन 10 डी, ओके, एंड यहाँ पर T21 देखो 29 दिया है, 29 इज इक्वल टू ए प्लस 21 माइनस वन 20 और डी। तो यहाँ पर आपके सामने दो फॉर्मूले या दो इक्वेशन बन गए, हम ऐसे बोल सकते हैं, ए प्लस 10 डी इज इक्वल टू 16 और ए प्लस 20 डी इज इक्वल टू 29। इन दोनों को आप अगर सॉल्व करते हो, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करते हो, ओके, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो क्या होगा, 2 में से 1 को माइनस किया तो 29 इज इक्वल टू ए प्लस 20 डी, इसमें से ये माइनस कर रहे हैं, 16 इज इक्वल टू ए प्लस 10 डी, माइनस किया तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, a माइनस ए कैंसिल, 29 माइनस 16, 9 में से 6 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 29 ग्रेटर है प्लस आया, इज इक्वल टू 20 में से 10 डी गया तो प्लस माइनस से माइनस होगा, सो 10 डी आएगा। सो एक्चुअल में d क्या आ जाएगा, 10 डी है, 10 यहाँ पर आया तो 13/10, दैट इज 1.3 आ गया, लेकिन ऐसे ही रखो, ठीक है। अब क्या करना है देखो, T41 निकालना था हमको T41 निकालना था, तो T41 के लिए अगर मुझे d पता है तो a भी पता होना चाहिए, तो किसी एक इक्वेशन में वैल्यू रख दो, चलो यहाँ से रखते हैं ये इक्वेशन में, फ्रॉम समझो 1 वैल्यू रखो, 16 इज इक्वल टू ए प्लस 10 टाइम्स डी, और डी कितना है 13/10, यहाँ पर डी की वैल्यू रखी, हमको ए की वैल्यू निकालनी है, सो 10 से 10 हो गया कैंसिल, 16 इज इक्वल टू ए प्लस, यहाँ पर सिर्फ 13 बच गया, 13 इस तरफ आया तो 16 माइनस 13 इज इक्वल टू ए, सो ए कितना आ जाएगा, ए 16 माइनस 13 3 आ गया, सो आपको ए की वैल्यू मिल गई, डी की वैल्यू मिल गई। अब 41st टर्म निकालना है, सो अगेन आपके पास जो फॉर्मूला है क्या था, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी,
अब यहाँ पर n की जगह 41 रख दो, n की जगह 41, a और b की वैल्यू पता है, d 13/10 है, a 3 है, तो a कितना है 3, और n तो 41 हमने लिया है 41st टर्म के लिए, और जो d है वो कितना है 13/10, तो यहाँ पर 13/10 रखो, सो t 41 इज इक्वल टू 3 प्लस 41 माइनस 1 40 इंटू 13/10, ये 10 से ये 40 कैंसिल होगा, 0 से 0 गया 4 आया, 10 4 जा 40, सो टी 41 इज इक्वल टू 3 प्लस, पहले मल्टीप्लाई करना था 13 4 जा, तो 13 4 जा 52, ओके, और टी 41 कितना आया, 52 प्लस 3 55 आया, हम लोग को 41st टर्म निकालना था और वो 55 आ चुका है, बड़े आसानी से हमने इसको कर लिया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम से भी आया हुआ है, आपको दो अलग अलग टर्म्स दिए होंगे और उसके बेसिस पे कोई तीसरा ही टर्म निकालने बोलेगा, तो इन दोनों टर्म्स का यूज करके दो इक्वेशन बनाने का, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का, ए और डी की वैल्यू फाइंड करने का, और फिर जो नया टर्म पूछा उसके इस फॉर्मूले में ए और डी की वैल्यू रख के आप फाइंड आउट कर सकते हो। बहुत ही आसान है, मजेदार है, इंटरेस्टिंग है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसको कॉपी कर लो, अगला देखते हैं। अगर आपको बेसिक अच्छे से आ रहे होंगे तो अब ये सारे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके लिए, प्रैक्टिस कर लो, बहुत मजा आएगा इसमें। क्या दिया, देखो 11, 8, 5, 2 इस तरह से एक एपी दिया हुआ है और बोला गया है कि विच टर्म इज -151। इसको आगे जब आप करते जाओगे ये कम होते जा रहा है, 11 में से 3 कम हुआ, 8 में से 3 कम हुआ, 5 में से 3 कम हुआ, 2, और आगे जब कम होते जाएगा तो कब -151 आ जाएगा, कितवा टर्म है एक्चुअल में, विच टर्म, मतलब हमें एन फाइंड करना है, एन कितना, तो कैसे करेंगे, देखो ये जो फर्स्ट ए होता है, फर्स्ट टर्म 11 है, और डी कैसे निकालोगे, 8 में से 11 माइनस कर दो दूसरे में से पहला, तो कितना आ रहा है, 8 में से 11 गया मतलब 11 में से गया 3, छोटे में से बड़ा माइनस किया तो माइनस, और ये जो दिया है वो टी एन दिया है -151। तो ये जो चीज़ें हैं इसको हाईलाइट करके रखो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है उसको बॉक्स कर दिया करो ताकि वो उभर के दिखे, आपको ढूंढना ना पड़े उसको बाद में। तो ये ए डी और टी एन पता है, हमें एन पता करना है, तो कैसे करोगे, आप फॉर्मूला लिख दो वही वाला वी हैव करके, अब यहाँ पर वी हैव का जो फॉर्मूला करोगे तो क्या फॉर्मूला आपके पास, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये जो फॉर्मूला इसमें वैल्यूज रखो, टी एन कितना है देखो -151, ए की वैल्यू 11 है, एन पता नहीं फाइंड आउट करना है, डी जो है वो -3 है, डी कितना है -3 है, अब देखो सॉल्व करो इसको आगे, ये -151 है, ये 11 को इस तरफ लाओ -11 हो गया, यहाँ पर n माइनस वन के साथ -3 ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, ये दोनों निगेटिव है, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा 1, 1, 2, 5, 1, 6 एंड 1, यहाँ पर n माइनस वन में n की वैल्यू निकालनी है तो सबको n माइनस वन से दूर लेके जाएंगे, ये इंटू -3 इस तरफ आएगा तो डिवाइड -3 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ n माइनस वन बच गया, अब 3 से कैंसिल करो इसको, 3, 5 जा 15 होता है, 1 आया, 3, 4 जा 12 होता है, 54 आ चुका है, यहाँ पर n माइनस वन है, आगे चल के देखो क्या होगा, ये n माइनस वन का 1 इस तरफ लाओ तो 54 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो n आ गया है 54 प्लस 1 55, यानी कि क्वेश्चन में बोला है विच टर्म इज -151, सो हम यहाँ लिखेंगे 55th टर्म ऑफ AP इज -151, इस तरह से आपको आंसर लिखना चाहिए, कॉपी कर लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, इन द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4, 10 से लेके 250 तक, 10 से लेके 250 तक, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, ओके, 10 to 250, 10 से 250 के बीच में डिविजिबल बाय 4 आना चाहिए, क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लो बुक में, तो कैसे होगा देखो, यहाँ पर डिविजिबल बाय 4, 10 से लेके 250 में 4 से डिवाइड कौन होता है, 4 का टेबल करोगे तो क्या आता है, 4 1 जा 4, 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, इस तरह से आता है, अब देखो 10 के बाद कौन आ रहा है, पहले 12 आ रहा है, यानी कि पहला नंबर 10 के बाद 12 है जो डिवाइड हो रहा है 4 से, डिविजिबल बाय 4, अब 4 से डिविजिबल और कौन होगा, 4 प्लस करते जाओ, 12 के बाद 16 आएगा ना 4 के टेबल में, 16 के बाद क्या आएगा, 4 5 जा 20, 24 ये आते जाएगा इस तरह से 4, और लास्ट में क्या है 250 है, तो क्या 250 4 से डिवाइड होता है, तो नहीं होता है, अगर आप करोगे 250 को इस तरह से 4 से डिवाइड करोगे तो 4 6 जा 24 10 आया, 4 के टेबल में 10 नहीं आता, तो अगर 249 लेते हैं तो भी नहीं चलेगा, 248 करते हो तो आ सकता है, 248 को अगर 4 से करते हो 4 6 जा 24
एट आ गया, फोर टू ज़ा एट आया, जीरो आया, तो 248 जो डिविजिबल है, 250 से कम कौन सा, 254 से डिविजिबल नहीं है, 249 भी नहीं है, 248 है, तो वो लास्ट टर्म हमने लिख दिया। तो 10 से लेकर 250 के बीच में डिविजिबल बाय 4, ओके, वो इतने सारे आ गए। सबसे पहले आपको ये एपी लिखना चाहिए, ओके, यहाँ पर आप लिख सकते हो कि द नंबर्स नम द या तो द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4, ओके, बिटवीन, इस तरह से लिखना चाहिए, 10 एंड 250, 10 और 250 के बीच में जो डिविजिबल है आर, इस तरह से आप लिखोगे, फिर ये सीक्वेंस लिखोगे। अब यहाँ पर सबसे पहले आप लिखते हो ए, फर्स्ट टर्म 12 है, फिर लिखते हो डी, 16 में से 12 गया तो 4, 20 में से 16 गया 4, डायरेक्ट लिख दो 4, और ये लास्ट टर्म जो है ये टीएन है, 248, इस तरह से इसको हाईलाइट करके रखो, ये 12 है, ये 4 और ये। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, देखो यहाँ पर ये पूछा है कि क्वेश्चन क्या है, देख लो आपकी बुक में, इन द नेचुरल नंबर हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल, बिल्कुल देखो ये 8th के जैसे ही हम लोग बोल सकते हैं या 7th के जैसा है, कितने नंबर्स है, मतलब हम लोगों को n फाइंड करना है, n कितना है, तो कैसे करोगे, देखो यहाँ पर आपको जो फॉर्मूला है, हमेशा वही फॉर्मूला यूज़ करो, याद कर लो इस फॉर्मूले को, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, ये फॉर्मूला होता है। tn यानी लास्ट वाला टर्म कितना है, 248 इज इक्वल टू a जो है वो 12 है प्लस n माइनस 1, n तो पता नहीं है, माइनस 1 इन टू d, d 4 है। अब n की वैल्यू निकालनी है, सबको n से दूर लाओ, ये 248 है, सबसे पहले ये प्लस 12 यहाँ पर आके माइनस 12 हो गया, n माइनस 1 इंटू 4, 248 में से 12 माइनस किया, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 2 इंटू 4 यहाँ से यहाँ आ गया तो डिवाइड हो गया, ओके, n माइनस 1, 4 से कट करो तो 4 फाइव ज़ा 20, 3 आया, 4 नाइन ज़ा 36, सो 59 आ गया, n माइनस 1, माइनस 1 इस तरफ आया तो 59 प्लस 1 इज इक्वल टू n, सो एक्चुअल में n कितना आ गया, 59 प्लस 1 60 आ चुका है, n इज इक्वल टू 60। तो क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी नंबर्स, तो आप लिखोगे 60 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 बिटवीन 10 एंड 250, इस तरह से फाइनल आंसर ये लिखना। ये जो चीज़ है ये रफ वर्क है, इसको हटा देता हूँ, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लिखो कर लो और अपनी नोटबुक में इसको आपको सबको कॉपी करना है, ठीक है। 9th हो गया, अभी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10th। अगला जो क्वेश्चन है 10th वाला, ध्यान से देखो क्या दिया है, देखो इन एन एपी 17th टर्म इज 7 मोर देन 10th टर्म, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले आप लिखोगे वी हैव, फॉर्मूला लिख दो वही, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, यहां पर दो दो टर्म दिए, 17th टर्म और 10th टर्म, तो आप यहां पर लिखोगे फॉर एन इज इक्वल टू, फॉर एन इज इक्वल टू 17 और वापस फॉर एन इज इक्वल टू 10, दो दो टर्म है दोनों के लिए निकालो, एन 17 होगा तो 17th टर्म आ गया, a प्लस एन की जगह 17 कर दो, एंड फॉर n इज इक्वल टू 10 जहाँ भी n 10 कर दो, 10th टर्म a प्लस 10 माइनस 1 d, ये आ गया। सॉल्व करो, 17th टर्म की वैल्यू तो नहीं दी है, बट इसको सॉल्व करो, a प्लस 17 माइनस 1 16 d, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1 रखो, एंड t10 की वैल्यू भी नहीं दी है, ये है a प्लस 10 माइनस 1 9 d, ओके, इसको इक्वेशन नंबर 2 रखो। तो हमने दो इक्वेशन बना दिए 17th और 10th टर्म के। ऑल्सो गिवन दैट क्या दिया है, देखो ध्यान से देखना कि 17th टर्म जो है दैट इज 7 मोर देन इट्स 10th टर्म, इसका जो 10वां टर्म है 10th टर्म है उससे मोर यानी प्लस है 7, 17th टर्म जो है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। तो या तो 17th टर्म को ऐसे करो t10 प्लस 7 करो, या तो इन दोनों को माइनस करके 7 दिखाओ, क्योंकि उससे ज़्यादा मतलब 7 का डिफरेंस है। और हमें क्या बोला है, कॉमन डिफरेंस यानी सिर्फ d फाइंड करने बोला है, a फाइंड नहीं करना है। तो कैसे करोगे d फाइंड, यहाँ t17 क्या है, देखो यहाँ से a प्लस 16d, इसकी जगह रख दो a प्लस 16d, ये आ गया t17। t10 क्या है, देखो a प्लस 9d और प्लस 7 है, ये कहाँ से आया, फ्रॉम वन एंड टू, इस तरह से आप लिख दो, रीज़न हमेशा लिखा करो। अब देखो यहाँ पर ये a प्लस 16d है,
ये दोनों टर्म यहाँ आएंगे माइनस हो जाएंगे, माइनस ए माइनस नाइन डी सेवन को वहीं पर रखो, ये ए और माइनस ए जीरो हो जाएगा, कैंसिल कर दो, 16d में से 9d गया तो 7d बच गया, 7d इज इक्वल टू 7, सो d इज इक्वल टू 7 यहाँ है तो 7 अपॉन 7, सो फाइनली आपको d क्या हो जाएगा, कैंसिल करोगे 7 7 को 1 आ गया, d आ गया 1, आप लिखते हो कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज 1, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1। तो बड़ी आसानी से आपने क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया है। क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चन के बाद सॉल्यूशन करके आप ये लिख सकते हो इस तरह से, और जो दिया है उसके हिसाब से करो, फॉर्मूला याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का यूज करके हम पूरा कर रहे हैं, कॉपी कर लो इसको। सो इस तरह से हमारा जो टेक्स्ट बुक है इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है 3.2 प्रैक्टिस सेट के अंदर, ओके। और इसके बाद आप देखोगे तो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर 3.3 प्रैक्टिस सेट है, ये भी हम कर लेंगे फटाफट, और 3.4 दो ही प्रैक्टिस सेट है, जल्दी जल्दी हो जाएगा, मज़ेदार है। तो यहाँ पर 3.2 जो है फिनिश हो गया थर्ड चैप्टर का, आप लोग अच्छे से करते रहो, पूरा चैप्टर में सिखा रहा हूँ, सारे प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, नोटबुक बना लो, सारी चीज़ें लिखते रहो, ज्योमेट्री मैंने मैक्सिमम कराया है, अलजेब्रा जो है वो भी लगभग थर्ड चैप्टर अभी कंप्लीट हो जाएगा, फटाफट मैं आगे के चैप्टर अब कंप्लीट कर लूँगा, अभी तक मैं ज्योमेट्री कर रहा था इसलिए अलजेब्रा पीछे रह गया, ठीक है। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को भी बताओ इस चैनल के बारे में, ताकि वो भी यहाँ से अच्छे से मैथ्स सीख सकें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय एवरीवन।